डॉक्टर आभा केमिस्ट्री पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सो आई एम हियर विद अ वीडियो ऑन एसिड डेरिवेटिव्स। आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, द कॉमन नेम्स एंड द आयुपैक। व्हाट आर एसिड डेरिवेटिव्स? एसिड डेरिवेटिव्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम carboxylic acid by reacting them with certain compounds. Any idea how many acid derivatives are there? Four. We have four acid derivatives. And guys, let me tell you, I don't know why I have observed that my students, you know, badi nomenclature kar lenge. Bahut tough, polyfunctional hai, cyclic hai, spiro hai, kar lenge. But pata nahi kyun, they seem to be having some kind of phobia, some anxiety against acid derivatives. Jahan pe amide ka naam aaya, ma'am, ye amide aur amine ek jaise hote hain, alag hote hain. Ma'am, ye esters ka nomenclature kyun itna different hai? Guys, I don't know. You know, you all must have heard of that saying, na? A known enemy is better than an unknown stranger. Right? So I feel for my students, acid derivatives have something been very close to something like unknown stranger. Yes, I think kids have had their anticipation in treading this area. So please allow me to break this barrier for you. Right? I request each one of you to please go through with this video, and I challenge you. I challenge you. You know, once you've gone through this video, उसके बाद अगर आपके दिमाग में एक भी जरा सा भी even an iota of doubt in your mind about acid derivatives, you know, not possible. क्योंकि है ही इतने simple acid derivative. सिर्फ ये है कि देखिए, अगर आप syllabus को देखें ना, तो syllabus में क्या आता है? Syllabus में आप syllabus उठाएं, syllabus में आता है alkane आता है, alkene, alkynes आता है, acid आता है, phenol आता है, alcohol आता है, aldehyde आता है. Acid derivatives as such syllabus में होते नहीं हैं, but इस्तेमाल होते हैं. Acid की सारी reactions में आते हैं, aldehyde form करते हैं. तो but इस वजह से थोड़ा सा मैंने देखा है, ignored हो जाते हैं. ठीक है, तो हम चार acid derivatives, esters जिसकी फ्रूटी स्मेल्स होती है, एसिड और अल्कोहल से बनता है, अमाइड एसिड और अमोनिया से बनता है, एसिड एनहाइड्राइड एंड हाइड्राइड, विदाउट हाइड्राइड, बिना पानी के. राइट, सो दो एसिड में से पानी निकाल दो, एनहाइड्राइड बन जाएगा. और लास्ट वाला होता है एसिड हैलाइड. जब हम कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड लाइक HCl, HBr, HI को कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं रिएक्ट, तो हमारा एसिड हैलाइड आता है. इन सब के नॉमनक्लेचर एसिड के आयुपैक से, एसिड के कॉमन नेम से डेराइव्ड है. अगर आपको एसिड समझ आया है, आपको एसिड डेरिवेटिव समझ आएगा ही आएगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा स्क्रीन पे चलते हैं. ओके, सो let's get started with the IUPAC and common names of acid derivative, carboxylic acid derivative. Acha, aap sabko pata hai bachcho, carboxylic acid ka jo formula hota hai wo hota hai RCOOH. Iske char derivatives hote hain. Kaun se char derivatives hote hain? Pehla derivative hota hai ester, dusra hota hai acid halide, teesra hota hai एनहाइड्राइड और चौथा होता है अमाइड. राइट, अब हम इन चारों डेरिवेटिव्स के आयुपैक और कॉमन नेम वन बाय वन करते हैं. ठीक है, सो पहला है एस्टर. एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला है वो है RCOOR. राइट, नाउ इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक नॉर्मल एसिड ले लो RCOOH, ये आपका नॉर्मल एक एसिड है, और आपने इसमें एक अल्कोहल लिया ROH. जब आपने इन दोनों को ऐड किया और इसमें से पानी निकाला, आपने जब इसमें से पानी निकाला तो आपको मिलेगा RCOOH.
आर डैश, ठीक है। तो अगर आपको ओरिजिन पता होगा ना, तो आप इसका नॉमेनक्लेचर बड़े आसानी से कर लोगे। अच्छा, अब आप देखिए, ये जो पार्ट है जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये अल्कोहल से आ रहा है, ये पार्ट अल्कोहल से आ रहा है, तो इसको आप बोलिएगा एल्किल। और ये पार्ट जो है जिसके साथ सी ओ लगा हुआ है, वो एसिड से आ रहा है, तो इसके आप इसको आप बोलेंगे एल्केनोएट, एल्केनोएट। और एल्केनोएट और एल्किल दोनों के जो कार्बन के नंबर होंगे ना, उनको जब आप टोटल करोगे तो इसका आंसर वही आना चाहिए जो आपके मेन कंपाउंड में है, ठीक है। तो एल्किल पार्ट अल्कोहल से आता है और एल्केनोएट पार्ट एसिड से आता है, ठीक है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए हम कैसे दे देंगे, ध्यान से देखिए, आर ओ सी ओ आर, अगेन देखिए, पहले अल्कोहल वाला पार्ट लिख दिया, आर डैश ओ अल्कोहल वाला पार्ट है, सी ओ आर एसिड वाला पार्ट है, नाम वही होगा एल्किल एल्केनोएट, लिखा कैसे भी जा सकता है। पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, बहुत सिंपल है। पहला एग्जाम्पल है एच सी ओ ओ सी एच थ्री, इसमें जो ये वाला पार्ट है एच सी ओ, ये कहाँ से आया है, एसिड से। कौन से एसिड से, एक कार्बन के एसिड से। और सी एच थ्री ओ वाला पार्ट कहाँ से आया, अल्कोहल से। कौन से अल्कोहल से, एक कार्बन के अल्कोहल से। तो ये नाम हो जाएगा, एक कार्बन का अल्कोहल होता है मिथाइल अल्कोहल, तो यहाँ आ जाएगा मिथाइल मेथेनोएट। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, एल्किल एल्केनोएट, एल्केनोएट। और गाइस, आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा, एसिड की क्लास में मैंने आपको कैसे समझाया था, एल्क शब्द कहाँ से आता है, एल्क शब्द नंबर ऑफ कार्बन एटम से आता है, ठीक है। और बड़ा आसान है इसका आयुपैक, सॉरी कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या होगा, मिथाइल का तो मिथाइल रहेगा, लेकिन मेथेनोएट में एक कार्बन का जो एसिड है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, प्रीवियस क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर से विजिट कर लीजिए, ठीक है। आपको आई बटन में दिख भी है लिंक, तो इसमें देखिए आप, एक कार्बन का जो एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक, आपको याद आ जाएगा, दो कार्बन का, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एसिटिक, तीन कार्बन का प्रोपियोनिक, चार कार्बन का ब्यूट्रिक, याद आ रहा है आपको बच्चों, धीरे धीरे याद आता रहेगा, सब याद आएगा, पांच कार्बन का वैलेरिक, छह कार्बन का केप्रोइक, धीरे धीरे आपको सब याद आएगा। तो ये मिथाइल फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट में आप चलिए, दो कार्बन का एसिड है, एक कार्बन का अल्कोहल है, ये देखिए ओ आर पार्ट कहां से आ रहा है, मिथाइल सी एच थ्री सी ओ एथेनोइट, या फिर मिथाइल एसिटेट। नेक्स्ट में चलिए आप, सिंपली ओ सी एच टू सी एच थ्री, ये पार्ट कहां से आ रहा है, एल्कोहल से, सी टू एच फाइव ओ एच से आ रहा है, और सी एच थ्री सी ओ कहां से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, एथेनोइट। सो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एसिटेट, कॉमन नाम, क्योंकि एसिडिक एसिड होता है, दो कार्बन का एसिड, और इथाइल एथेनोइट हो जाएगा आपका आयुपैक। एक बार फिर से रिमाइंड करा दें, इथाइल पार्ट अल्कोहल से आता है, एथेनोइड पार्ट एसिड से आता है। जो ओ के साथ लगा रहता है वो अल्कोहल वाला होता है, जो सीओ के साथ लगा रहता है वो एसिड वाला होता है। इसके एक दो एग्जांपल्स और देख लीजिए, ग्रुप का आइसोप्रोपिल, तो आप आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल भी लिख सकते हो, या फिर जैसा कि मैंने आपको एल्किल ग्रुप में, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डोंट थिंक सो आई हैव अपलोडेड दैट वीडियो, या फिर एक और तरीका है बेटा, इसको आप लिख सकते हो मिथाइल इथाइल, इथाइल सब्सिट्यूएंट है, उसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो आप इसका एक और नाम लिख सकते हो मिथाइल इथाइल, और एक गैप देंगे, यहाँ पर एक गैप देंगे, एंड देन ब्यूटेनोइट आ जाएगा, सेम यहाँ पर आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाइए, अब आप आइए, इसमें ध्यान से देखिए, जो एसिड वाला पार्ट है वो बेंजोइक एसिड है, तो क्या हो जाएगा, बेंजोएट, और अल्कोहल वाला पार्ट क्या है, दो कार्बन क्या है, तो इथाइल हो जाएगा, इथाइल बेंजोएट आयुपैक भी होगा, इथाइल बेंजोएट कॉमन नेम भी होगा। एक और नाम है बेंजोइक एसिड का, एक और नाम है आयुपैक, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से ये वर्ड बना है, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, सो आप इसको इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी कह सकते हैं। गाइज, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको ये थोड़ा सा भी टफ लग रहा है तो ये बहुत ही नॉर्मल है। मैंने देखे बच्चों को एस्टर के नॉमनक्लेचर में खासी तकलीफ होती है, सो डोंट वरी, आप प्रैक्टिस करते जाइए। सिर्फ आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अल्कोहल का हिस्सा कहाँ से आ रहा है और एसिड का हिस्सा कहाँ से आ रहा है। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा। लेट्स मूव ऑन टू जी पार्ट। जी पार्ट में अगेन आप देखिए, तीन कार्बन, वन टू थ्री कार्बन का, थ्री कार्बन का एसिड है, और वन टू थ्री फोर कार्बन का अल्कोहल है, तो ब्यूटाइल प्रोपेनोइट।
ब्यूटाइल चार कार्बन का, प्रोपेनोइड तीन कार्बन का, ब्यूटाइल प्रोपेनोइड, और प्रोपेनोइड से बनेगा प्रोपियोनेट कॉमन नेम. सो ब्यूटाइल प्रोपियोनेट विल बी द कॉमन नेम. इसके बाद एक और देखते हैं, आई थिंक आइसोप्रोपिल बेंजोएट, इसमें मैंने मिक्स कर दिया है. एसिड कौन सा है? बेंजोइक एसिड है. सीओ कहाँ से? बेंजीन के साथ है. बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है. और एल्किल पार्ट क्या है? आइसोप्रोपिल है. सो आइसोप्रोपिल बेंजोएट या आइसोप्रोपिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था, मिथाइल इथाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वाई मिथाइल इथाइल? इथाइल के ऊपर मिथाइल लगा है तो मिथाइल इथाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है. सो सिमिलरली बेंजोएट इज द बेंजोइक एसिड का कॉमन नेम भी बेंजोइक एसिड होता है, तो कॉमन नेम में कोई चेंज नहीं आएगा. इसमें देखिए मैंने उल्टा करके लिख दिया, ध्यान से देखिए बेटा. इस फिगर में बेंजीन के साथ ओ लगा हुआ है और फिर CO लगा हुआ है, तो CO के साथ तो CH3 लगा हुआ है, ये पार्ट एसिड का हो जाएगा, यानी दो कार्बन का एसिड, एथेनोइट या एसिटेट. और ये आ रहा है आपका, ये पार्ट आ रहा है अल्कोहल से, तो फिनाइल बन जाएगा. सो फिनाइल एथेनोइट, फिनाइल एसिटेट, राइट. एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़े से साइक्लो कंपाउंड्स के एग्जांपल लेते हैं. साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल वाला पार्ट में भी है और साइक्लोहेक्सिल एसिड वाले पार्ट में भी है. तो साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल वाला पार्ट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट. प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा क्या होता है एसिड का नाम, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आयुपैक बन जाता है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट फॉर इट्स रिस्पेक्टिव एस्टर. और यहां पर देखो बेटा, साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल से आया और साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सिलेट सेम आपका एस्टर्स, क्योंकि आपको पता है क्या क्या होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट का, वही कॉमन नेम है. ठीक है. सो कॉमन नेम और आयुपैक में कोई डिफरेंस नहीं है. अब हम चलते हैं सेकंड क्लास ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, दैट इज एसिड हैलाइड. एक बार फिर से, आयुपैक है एल्केनोइल हैलाइड, कॉमन नेम है एसिड का जो भी कॉमन नेम होगा उसमें ऑयल हैलाइड ऐड हो जाएगा. एक बार आपको इसकी फॉर्मेशन दिखाते हैं. आपने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, RCOOH, जैसा आपने एस्टर में लिया था, एस्टर में आपने उसको अल्कोहल से ट्रीट किया था, और इसमें हम उसको किसी भी हैलोजन एसिड, HCl, HBr, HI, HF, किसी से भी आप करा सकते हो. और हर एक में ध्यान रखना, इसमें भी क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है. और आपको क्या मिलेगा? RCOCl. Cl भी मिल सकता है, Br भी मिल सकता है, I भी मिल सकता है, F भी मिल सकता है. और आप इसका नाम क्या होगा देखिएगा ध्यान से. देखिए, इसका नाम एक्चुअली होता है एल्केनोइक एसिड, है ना. इसका नाम एक्चुअली होता है, अगर आपको ध्यान हो, एल्केनोइक एसिड, ध्यान रखिएगा, है ना. दो कार्बन एथेनोइल, एक कार्बन मेथेनोइक. तो हम अब क्या नाम देंगे? एल्केनोइल, और ये इसके बाद लिखेंगे हैलाइड या क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. हैलाइड इज द जनरल. तो ये इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइल हैलाइड. OH को हटा के Cl आ गया. अब आप ऊपर एक बार फिर से देख लीजिए, एल्केनोइल हैलाइड. और ध्यान रखिएगा, एल्केनोइल और हैलाइड के बीच में स्पेस है. और कॉमन नेम में क्या होगा बेटा? कॉमन नेम में हो जाएगा एसिड का कॉमन नेम और हैलाइड वर्ड लग जाएगा. एसिड का कॉमन नेम जैसे फॉर्मिक होगा तो फॉर्मिल हैलाइड, अगर एसिटिक है तो एसिटिल हैलाइड, ब्यूट्रिल हैलाइड. लेट्स क्विकली डू सर्टेन एग्जांपल्स. पहला मेंबर HCOCl, पहला मेंबर एसिड डेरिवेटिव का अगर आपने लिया तो ये एक बन जाएगा मेथेनोइल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड, वेरी सिंपल. दूसरा मेंबर, दो कार्बन मैंने ले लिए, दो कार्बन ले लिए, ब्रोमाइड है इसका डेरिवेटिव, एथेनोइल ब्रोमाइड, एसिटिल ब्रोमाइड, वेरी सिंपल. तीन, प्रोपेनोइक से वर्ड आएगा, प्रोपेनोइल, सॉरी यहां पे ब्रोमाइड नहीं होगा, आई एम सॉरी, ओके लेट मी मेक अ चेंज हियर, यहां ब्रोमाइड कर देते हैं. तो प्रोपेनोइल ब्रोमाइड, प्रोपियोनिल ब्रोमाइड, गॉट इट. यहां पे देखिए थोड़ा सा इन्होंने चेंज करा है, इन्होंने एक ऐसा ले लिया, देखिए CO CH2 COBr, ठीक है. अच्छा, अब क्या है इसमें डाई, अगर मैं नॉर्मल नाम लेती तो आप ध्यान ना, इसका क्या एसिड बनता?
ध्यान दीजिएगा गाइस, प्रोपेन, मुझे मालूम है कुछ बच्चों को बहुत लग रहा होगा बड़ा लंबा है ये तो। देखो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जो सक्सेस होती है ना उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर नॉमनक्लेचर से प्यार है तुम्हें, नॉमनक्लेचर करने का मन है, तो फिर उसके लिए शॉर्टकट मत ढूंढो, ठीक है। तो इसका नाम होता है प्रोपेन 1.3 डायोइक एसिड, होता है ना, अगर ऐसा होता तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1.3 डायोइल डाइब्रोमाइड, गॉट इट, डायोइल डाइब्रोमाइड। और यहां पे ये मेलोनिन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान है ये मेलोनोइक एसिड होता है। कौन सा मेलोनोइक एसिड होता है, मेलोनिक एसिड, CH2COH, इसमें भी आपको याद है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक याद है ओम्स गैप करके मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पामेलिक। एक बार फिर से बता दूं, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, जी से ग्लूटारिक, ए से एडिपिक, पी से पामेलिक। तो एक बार आपका नहीं बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप एक बार वो प्रीवियस वाला वीडियो भी देख के आ सकते हो, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, एक दो और हम लेते हैं एसिड हैलाइड। देखिए ये एसिड डेरिवेटिव है, ये आपका क्या है बच्चे, ये देखिए ये आपका एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। और ये क्या लगा हुआ है, ये मिथॉक्सी लगा हुआ है, तो 4 पे मिथॉक्सी है और बेंजोइल क्लोराइड, 4 पे मिथॉक्सी है बेंजोइल क्लोराइड। और इन्होंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 मिथॉक्सी पे बेंजीन, आपको पता है एनिसोल कहां से आता है, व्हाट इज एनिसोल, आपको याद है बेटा, OCH3 एनिसोल है। तो एनिसोइल क्लोराइड बना दिया है क्योंकि इसका एसिड डेरिवेटिव है, इसका एसिड डेरिवेटिव है कहां पे है, पैरा पे है, पैरा पे है, ठीक है। COOH को इन्होंने क्या बना दिया, एनिसोइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो सीधा बेंजीन के साथ COI लगा हुआ है, तो बेंजोइल आयोडाइड या बेंजीन कार्बोनिल आयोडाइड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन कार्बोनिल आयोडाइड, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, कॉमन नेम भी बेंजोइल आयोडाइड है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देखिए 1, 2, 3, 4 चार कार्बन का एसिड डेरिवेटिव, चार कार्बन का एसिड डेरिवेटिव क्या होगा, ब्यूटेनोइल क्लोराइड, ब्यूटेनोइल क्लोराइड, और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। और ब्यूटेनोइल क्या हो जाएगा, ब्यूट्रिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, दिस इज फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इट बिकम साइक्लोहेक्सेन, यहां पे कोई गैप नहीं होगा, कार्बोनिल क्लोराइड और साइक्लोहेक्सिल कार्बोनिल क्लोराइड, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट क्लास पे आ जाते हैं अमाइड। अमाइड के बारे में आपको फिर से थोड़ा सा बता दूं, अमाइड्स में एक तो आप लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव है, दूसरा आप लेते हो अमोनिया। जब आपने इनको हीट किया, इसमें से OH चला जाता है, इसमें से H चला जाता है, तो इसमें से H चला जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, NH2, तो आपको मिल जाता है RCONH2। जैसे अगर आपने लिया एथेनोइक एसिड, आपने लिया एथेनोइक एसिड और आपने क्या लिया, अमोनिया, तो ये क्या दे देगा, पानी दे देगा, और आपको क्या मिल जाएगा, CH3CONH, राइट। सो RCONH2, वेयर RCO पार्ट क्या है, एसिड वाला पार्ट है, तो सीधा एसिड का नाम यूज करो, एल्केनामाइड। ये एल्केनामाइड कहां से आएगा, एल्केनोइक एसिड से एल्केनामाइड, मतलब आप NH2 को, आप पता है क्या करो, आप इसको हाइड कर दो, NH2 को हाइड कर दो और वहां पे OH लिख के एसिड का नाम बोलो, कॉमन नेम ऑफ एसिड प्लस अमाइड। कॉमन नेम एसिड के क्या है, फॉर्मिक, एसिटिक, याद आ रहा है बच्चे, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूट्रिक, राइट। सो पहला है मेथेनोइक एसिड का अमाइड, मिथेनामाइड, और फॉर्मिक एसिड का अमाइड, फॉर्मामाइड। नेक्स्ट आ जाइए, एसिटिक एसिड का अमाइड, एसिटामाइड, इथेनामाइड, 2 कार्बन का, राइट, CH3CO, कौन से एसिड से, 3 कार्बन का, प्रोपेनामाइड, कॉमन नेम प्रोपियोनामाइड, 5 कार्बन का, 1, 2, 3, 4, 5, पेंटेनामाइड, वलरामाइड, राइट, ओके, डायामाइड लिया, यहां पर डायामाइड लिया है, दोनों तरफ अमीन लगे, अमाइड लगे हुए हैं, पहला दूसरा तीन, तीन तो आपके एल्केन का है और ये एसिड का, ये तो अगर आपके पास बच्चे
CH2, COOH. अगर आपके पास ये एसिड होता तो इसका नाम क्या देते आप? इसका नाम यही देते ना आप, पेंटेन 1,5-dioic acid, राइट? बस आपका काम इजी हो गया। इससे आप देखिए पेंटेन 1,5-diamide, दोनों तरफ जहां जहां एसिड है वहां वहां अमाइड लगेगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनामाइड नहीं कह सकते, ध्यान से सुनिएगा, साइक्लोहेक्सेनामाइड क्यों नहीं कह सकते? ये गलत हो जाएगा, इसमें सिर्फ 6 कार्बन की आवाज आ रही है, जबकि आप एक्चुअली में डायग्राम में देखिए रिंग के 6 हैं और एक के 7 है, 7 कार्बन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा वर्ड कार्बोक्सामाइड, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सामाइड, राइट? ये तो आपको पता ही है, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड, ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए एनहाइड्राइड, जो लास्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स है वो एनहाइड्राइड, में जगह ढूंढ रही हूँ आपको, थोड़ा सा प्लेन पे मिल जाए मुझे जो आपको मैं स्ट्रक्चर समझा सकूँ। एनहाइड्राइड शब्द को सुनो बच्चों, एनहाइड्राइड शब्द को सुनो, एन प्लस हाइड्राइड, ठीक है बेटा। एन का मतलब होता है माइनस, हाइड्राइड का होता है पानी, पानी को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो दो एसिड लो आप, आप दो एसिड लो, सेम भी ले सकते हो और डिफरेंट भी ले सकते हो, दो एसिड लो, सेम भी ले सकते हो डिफरेंट भी ले सकते हो, उनमें से पानी को माइनस कर दो, इसमें से OH गया, इसमें से H गया, या फिर राइट साइड से OH निकालो, लेफ्ट साइड से H। अगर दोनों एसिड सेम है तो कहीं से भी OH जा सकता है, कहीं से भी H जा सकता है, बट अगर दोनों एसिड सेम नहीं है तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट और बहुत सारे इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे कि किसमें से आप H निकालो, बट इस वीडियो को मैं वो मैं कवर नहीं करूंगी, कभी आगे मैं कवर करूंगी, ठीक है। तो अभी आपने क्या करा है, आपने देखा CH3COOH प्लस मैंने ले लिया दूसरा एसिड HCOOH, ठीक है। सपोज इसमें से OH गया और इसमें से H गया, तो तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें मिला CH3CO और तुम्हें मिला ये पार्ट तो आया एसिटिक से, ये पार्ट आया फॉर्मिक से और बीच में एक ऑक्सीजन, राइट। सो ये तुम्हारा है फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखना बच्चे, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या हो जाएगा, इट इज सिंपली एसिड के नाम और एनहाइड्राइड। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलिएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड या फिर कॉमन नेम और एनहाइड्राइड इसका नाम बोलते हैं, जैसे कि ये है एथेनोइक और ये है मेथेनोइक, तो पहले ई आएगा एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, आगे मैंने एग्जाम्पल लिखा होगा, और कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, आई एम श्योर आगे ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, दोनों फॉर्मिक एसिड से हैं, दोनों फॉर्मिक एसिड से हैं, तो मेथेनोइक एनहाइड्राइड रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, दोनों सेम एसिड्स हैं, कैसे पता चल रहा है, एक कार्बन और एक कार्बन यहां पर। नेक्स्ट देखिए, ये वाला एथेनोइक से है, ये वाला फॉर्मिक से है, तो एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ऐसा कभी नहीं करना, इसका कॉमन ले लिया, इसका आयुपैक ले लिया, कभी नहीं करना, ठीक है, दोनों के कॉमन नेम और दोनों के आयुपैक नेम, और दोनों अगर सेम है तो एक ही बार बोलिए, ठीक है। यहां पर देखिए दोनों एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कौन से एसिड से आया है, अगर आप इसको खोलोगे ना तो किस एसिड से आया है, ये आया है CH2 COOH, कौन सा एसिड बना, ध्यान से देखिए कौन सा एसिड बना, ये ब्यूटेन 1,4-dioic एसिड बना, तो बस इन दोनों यहां से पानी निकला, ब्यूटेन 1,4-dioic एनहाइड्राइड, इसको ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, इसको ब्यूटेनल एनहाइड्राइड नहीं कह सकते हैं, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है बच्चे CH2COOH, सक्सीनिक एसिड, 4 कार्बन का डायोइक एसिड है, तो ये सक्सीनिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। फिर से याद रखिएगा ओम्स गैप,
प्रीवियस वीडियो में भी है, इस वीडियो में भी मैं पहले बता चुकी हूँ, बार बार बताएंगे तो आपका टाइम जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको नींद आ जाएगी। वैसे भी अगर आप थक गए हो तो प्लीज़ पॉज करिए, वीडियो को कल देखिए, राइट। ये मैंने क्या किया है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, सेम कॉमन नेम, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिया है, बेंजीन के साथ 1,2 जो एसिड था वो था बेंजीन 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखिए, जो एसिड था वो था बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो उसका एनहाइड्राइड हो गया। लेकिन जो इसका कॉमन नेम है वो थैलिक एसिड है, तो ये थैलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस आपको और करते हैं, लेट्स सी आपको कितना समझ में आया है, राइट। आप नोट करिए, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से। मैंने आपको फिर से बताया, आयुपैक में जितनी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको सीखने में, उतना जल्दी करोगे। पहले इनको करते हैं, आगे चलते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो बच्चों, ध्यान से इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, कुछ लगता है आपको, ध्यान से देखिए आप, दे आर सेम, डिड यू रियलाइज इट, दे आर सेम। सिर्फ मैंने क्या किया, स्वॉप करके लिख दिया है। तो कौन सा पार्ट अल्कोहल से आ रहा है, ये वाला पार्ट अल्कोहल से आ रहा है, और ये वाला पार्ट एसिड से आ रहा है। तो पहले क्या लिखते हैं आप, ये एस्टर है, COO एस्टर है ना, तो एल्किल एल्केनोइड, एल्किल कहाँ से आ रहा है, फिनाइल से आ रहा है, फिनाइल प्रोपे। बच्चे क्या करते हैं, दो कार्बन नहीं बेटा, तीनों कार्बन को ऐड करना है, फिनाइल प्रोपेनोइड, और अगर कॉमन नेम होगा तो फिनाइल वही रहेगा, प्रोपेनोइड क्या बन जाएगा, प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट अगर आपने कॉमन नेम लिखना है, ठीक है, समझ आया, दोनों सेम है। यहां पे देखिए गाइस, जब भी आप देखो एन के ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, थोड़ी देर के उसको इग्नोर करो, उसको एच मान लो। तो अगर ये एच होता, अगर ये एच होता C2H5, तो ये नाम क्या होता, ये नाम होता बेंजामाइड, नाम होता बेंजामाइड। अब ये एन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, तो अब ये नाम हो जाएगा एन इथाइल बेंजामाइड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अमीन्स की नॉमनक्लेचर का वीडियो जरूर देखेंगे। ये वीडियो अगर अपलोड करने के पहले वो अपलोड होगी, तो आपको आई बटन में दिखेगा जरूर लिंक, ठीक है, जरूर देखेंगे। तो ये हो जाएगा एन पे इथाइल लगा हुआ है बेंजामाइड, राइट। एक और देखिए, देखो ध्यान से आप देखिएगा इसको, देखो बच्चे इसमें क्या है, दो पार्ट है, ये येलो वाला जो पार्ट है ये कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है अल्कोहल से, ठीक है। दोनों में कोई ना कोई सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है, एसिड में सी एल सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है और एल्कोहल में सी एस टी सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है। अभी आप इन दोनों सब्सिट्यूएंट को इग्नोर कर दो, बिल्कुल सोचो ही नहीं ये वो हैं, तो अगर ये दोनों नहीं होते तो नाम क्या होता, तो नाम होता प्रोपाइल, है ना, और होता चार कार्बन का एसिड ब्यूटेनोइड, ठीक है, ये नाम होता। कोई यहां पे डाउट है बच्चों, यहां तक सही है। अब आप देखिए जो लगे हुए हैं, लगा क्या हुआ है बेटा, लगा हुआ है दूसरे कार, जो अल्कोहल वाला कार्बन है उसके सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप चाहते तो आप इसको आइसोब्यूटाइल भी लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं। तो आप क्या करोगे, पहले इसके आगे लिखोगे, प्रोपाइल वाले पार्ट के आगे लिखोगे टू मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपाइल, और यहां पे क्या लिखोगे, ब्यूटेनाइट वाले पार्ट के आगे थ्री, 1,2,3, थ्री क्लोरो। कई बार बच्चे कहते हैं ये दोनों नेमिंग, बट ये बड़ा नंबरिंग अलग अलग कार्बन के, बेटा यहां क्लियर बता रहा है ये प्रोपाइल वाले की काउंटिंग है, ये ब्यूटेनाइट की काउंटिंग है। तो जिसमें जो लोकेंट्स लगा हुआ है उसके नाम के आगे आप लिखेंगे, ठीक है, और दोनों के नाम के बीच में, अल्कोहल वाले नाम और एसिड वाले नाम के बीच में गैप आएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली एडमिटेड एरर्स आर फ्रॉम द नॉमनक्लेचर ऑफ एस्टर, राइट। ये पहचानने की कोशिश करिए कि ये क्या है,
बच्चे इसको कहते हैं कि मैम कीटोन के साथ हैलाइड लगा हुआ है, कीटोन के साथ हैलाइड लगा है, मेरे बच्चे कीटोन के साथ हैलाइड नहीं है। अगर यहाँ पर एल्किल होता, आर होता, कार्बन होता तो ये कीटोन होता, ये कीटोन नहीं है, ये एसिड का ही डेरिवेटिव है। कौन सा डेरिवेटिव है? एसिड हैलाइड है। सिंपल, आगे मैंने क्या कहा है? इसको अब आप इग्नोर कर दो लोकेंट को। और आपसे एक चीज़ और बता दें, कभी आप ये मत करना कि ये लंबी सबसे लॉन्गेस्ट चेन ले लें, क्योंकि हमेशा एसिड और एसिड के डेरिवेटिव टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, कोने में रहते हैं, पहली पोजीशन पर रहते हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइल क्लोराइड, ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनोइल क्लोराइड, ठीक है। और ब्यूटेनोइल क्लोराइड की सेकेंड पोजिशन पर मिथाइल है, 2-methyl ब्यूटेनोइल क्लोराइड, ठीक है। अब मैं आपको 3 IUPAC देती हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग, आप उसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको पहला आप लिखेंगे राइट, इनको आप ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दिखिए। आई होप दैट वॉज इंटरेस्टिंग इनफ राइट। सो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा एसिड डेरिवेटिव में, और अगर रहेगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए आप, ठीक है। सो आपने देखा ना कैसे सिंपली, अगर आपको एसिड के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो डेरिवेटिव्स दे कम यू नो सो इजी टू यू राइट। सो वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून राइट। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्स, गॉड ब्लेस।